स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द थ्रेशोल्ड कंडीशन, जिसको हम शैलो टाउन्स कंडीशन भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स में और मैक्सिमम 6 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लेजर फिजिक्स के छोटे से छोटा कंसेप्ट भी यूज होगा। अगर ये टॉपिक आपने समझना है, इस टॉपिक को आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी है, तो आपको लेजर फिजिक्स के बेसिस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको क्या क्या पता होना चाहिए इस टॉपिक को करने से पहले? आपको पता होना चाहिए कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, एक्टिव मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल पंप क्या होता है, रेजोनेटर कैविटी क्या होती है। जब तक आपको ये टर्म्स का पता नहीं होगा, तब तक आप ये वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, आज का टॉपिक आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन जो हमारे बेसिक्स हैं लेजर के, उनको मैं ऑलरेडी पिछले लेजर के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तभी ये वीडियो समझ देखिएगा, अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं अब तक तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए, पहले वो टॉपिक्स को स्टडी कीजिए, तब जाके इस टॉपिक को समझिए, तभी आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ पाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी लेजर सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक एक्टिव मीडियम लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, गैसीय स्टेट में भी हो सकता है। उस एक्टिव मीडियम को हम दो पैरेलल मिरर्स के बीच में रख देते हैं, और जो दो पैरेलल मिरर में से एक मिरर होता है M1, वो 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो दूसरा पैरेलल मिरर होता है M2, वो 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, वो 90% रिफ्लेक्टिंग होता है, और उसकी जो ट्रांसमिशन पावर होती है वो 10% होती है, और जो लेजर आउटपुट हमें मिलती है वो मिरर M2 के थ्रू ही मिलती है। और इस पूरे सिस्टम को, जिसमें हमने एक्टिव मीडियम को दो प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में रखा हुआ है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेजोनेटर कैविटी। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव मीडियम के अंदर जो एटम्स होते हैं वो इनिशियली ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन को N1 से डिनोट करें और एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन को N2 से डिनोट करें, तो इन इक्विलिब्रियम जो N1 होते हैं वो N2 से ज़्यादा होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एटम जो होते हैं ग्राउंड स्टेट में वो एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होते हैं, मींस N1 इज ग्रेटर देन N2 होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में। बट लेजर एक्शन स्टार्ट करवाने के लिए, लेजर लाइट प्रोड्यूस करवाने के लिए इसका उल्टा होना चाहिए, मींस एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू एटम्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, मींस N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, तब जाके लेजर एक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। और N2 ग्रेटर देन N1 को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवा लें बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ पंपिंग, जैसे कि ऑप्टिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, इन मेथड से अगर हम N2 ग्रेटर देन N1 करवा लें, अगर पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव भी करवा लें, तो क्या ये कंडीशन सफिशियंट है कि लेजर ऑक्सीलेशंस आपको मिल जाए, लेजर लाइट आपको मिल जाए? तो आंसर है नहीं। ये वन ऑफ द कंडीशंस हैं लेजर ऑक्सीलेशंस को ऑब्टेन करने के लिए कि N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, ये तो होना ही चाहिए। साथ के साथ दो कंडीशंस और सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके आपको लेजर ऑक्सीलेशंस मिलती हैं। और वो कंडीशंस होती हैं, एक होती है रेजोनेंस कंडीशन, एक होती है थ्रेशोल्ड कंडीशंस। दोनों ही कंडीशंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और थ्रेशोल्ड कंडीशंस को हम शैलो टाउन्स कंडीशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक्टिव मीडियम के अंदर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग का यूज करके N2 ग्रेटर देन N1 करवा लिया, पॉपुलेशन इन्वर्शन जो है वो अचीव करा लिया, अब एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। अब लेजर ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस होंगी, लेजर लाइट कैसे प्रोड्यूस होगी? जब एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो ये फोटॉन्स एमिट करेंगे, और उन फोटॉन्स के द्वारा
लेजर लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम्स ग्राउंड स्टेट में दो वे से आ सकते हैं। पहला वे तो ये है कि वो अपने आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाए और वो फोटोन एमिट करे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स का यूज किए। जब एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो वो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। बट इस केस में जो फोटोन्स एमिट होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में एमिट होंगे और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे और वो लेजर लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और दूसरा तरीका जो है एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम्स को ग्राउंड स्टेट में लाने का, वो ये है कि बाहर से आप एक फोटोन डालिए और वो फोटोन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम से इंटरेक्ट करेगा और उसको वो नीचे लेके आएगा ग्राउंड स्टेट में। इस प्रोसेस में भी एक फोटोन एमिट होगा। अब जो फोटोन एमिट हुआ है और जो फोटोन हमने इंसिडेंट करवाया था, वो दोनों फोटोन्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और हमें देंगे लेजर लाइट। और जो दो फोटोन्स हमने लिए हैं, एक इंसिडेंट फोटोन एक जो एमिट हुआ है फोटोन, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब करेंगे, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी जिसको हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। वो रेजोनेंस कंडीशन क्या है वो भी हम देखेंगे, साथ के साथ हम बात करेंगे हमारी मेन कंडीशन की जो कि होती है थ्रेशोल्ड कंडीशन, जिसको हम शैलो टाउन्स कंडीशन भी बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी आज हम ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसकी थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे, वो भी इजी वर्ड्स में, ताकि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए, उसको ये पता लग जाए कि आपको सब कुछ पता है लेजर फिजिक्स के बारे में और वो आपको पूरे मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। आइए अब उसकी बात करते हैं। इन अ लेजर सिस्टम द एक्टिव मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ मिरर्स फॉर्मिंग द रेजोनेटर कैविटी। किसी भी लेजर सिस्टम में एक्टिव मीडियम को हम किसके बीच में रखते हैं, दो प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में रखते हैं, जिनको हम M1 M2 से डिनोट करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं जो M1 मिरर है वो 100% रिफ्लेक्टिंग होता है और जो M2 मिरर होता है वो 90% रिफ्लेक्टिंग होता है और 10% ट्रांसमिटिंग होता है। उसमें से ही लेजर लाइट जो है वो बाहर निकल के आती है और इस प्रकार से हमें लेजर लाइट मिलती है। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर या फिर रेजोनेटर कैविटी। और इसकी लेंथ जो है हम मिरर M1 से लेके M2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, जिसको हम आगे यूज भी करेंगे। द कंडीशन N2 greater than N1 इज इन इटसेल्फ इज नॉट एनफ फॉर लेजर ऑक्सीलेशन टू अकर। हम कहते हैं कि लेजर ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करवानी है तो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम N2 से डिनोट करते हैं वो ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट जिसको हम N1 से डिनोट करते हैं। और इस कंडीशन को पॉपुलेशन इन्वर्शन बोला जाता है। हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्शन तो होना ही चाहिए अगर लेजर ऑक्सीलेशन स्टार्ट करवानी है, बट सिर्फ ये कंडीशन अचीव करवा लेने से, पॉपुलेशन इन्वर्शन अचीव करवा लेने से, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कर देने से एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट लेजर ऑक्सीलेशन नहीं मिलती। साथ में कुछ और कंडीशंस भी आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ती हैं। आइए देखते हैं वो कंडीशंस कौन सी हैं। इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन लाइट वेव्स विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई। लेजर एक्शन प्रोड्यूस होता है स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा, क्योंकि लेजर लाइट की फुल फॉर्म यही होती है लाइट एम्पलीफिकेशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जब हम एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए एटम को बाहर से एक फोटोन इंसिडेंट करवा के नीचे लेके आते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो एक फोटोन एमिट होता है, तो इंसिडेंट फोटोन और एमिटेड फोटोन जो है वो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे के नहीं, वो एक कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और लेजर लाइट देंगे। तो वो कंडीशन कौन सी होती है, वो कंडीशन ये होती है क्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2NL। और यहाँ पर Q क्या है, Q एक इंटीजर है, L क्या है, L लेंथ ऑफ रेजोनेटर कैविटी है, दो प्लेन मिरर्स के बीच का डिस्टेंस है। L क्या है, L तो हमने बात कर ली, उसके बाद लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, और N क्या है यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एक्टिव मीडियम। और इस कंडीशन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू होता है, सी यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू 2NL हमने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 2π से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2π से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2π से डिवाइड कर दिया, तो 2π हमने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं 2π न्यू क्या होता है, 2π न्यू होता है ओमेगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। सो QC बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, NL बाय पाई आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी क्यू टाइम्स सी पाई बाय NL। मीन्स अगर ओमेगा जो है इस टर्म का मल्टीपल होगा
क्यू यहाँ पर इंटीजर है, मीन्स अगर ओमेगा की वैल्यू क्यू टाइम्स सी पाई बाई एन एल होगी तब जाके आपको स्टिमुलेटेड एमिशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है लाइट वेव्स का वो देखने को मिलेगा और लेजर लाइट आपको देखने को मिलेगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, लास्ट सेक्शन में हम एक इक्वेशन निकाल चुके थे, वो इक्वेशन क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू सी पाई बाय एन एल, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। इक्वेशन वन को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन, इक्वेशन वन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। तो स्टूडेंट्स लेजर ऑसिलेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिसको हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, और ऑप्टिकल रेजोनेटर में मीन्स रेजोनेटर कैविटी से अगर आपको लेजर आउटपुट चाहिए, रेजोनेटर कैविटी क्या होती है, एक्टिव मीडियम को हम दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखते हैं, M1 M2, M1 100% रिफ्लेक्टिंग होता है, M2 90% रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो लेजर आउटपुट मिलती है आपको इस मिरर M2 के थ्रू मिलती है। अगर आप रेजोनेटर कैविटी में से लेजर आउटपुट चाहते हैं, लेजर ऑक्सीलेशन स्टार्ट करवाना चाहते हैं रेजोनेटर कैविटी में, तो एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए जिसको हम थ्रेशोल्ड कंडीशन बोलते हैं। तो आप लाइन लिखेंगे, नाउ वी शैल फाइंड द कंडीशन फॉर द स्टार्ट ऑफ लेजर ऑक्सीलेशन इन द रेजोनेटर कैविटी कॉल्ड द थ्रेशोल्ड कंडीशन। अब हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे ताकि रेजोनेटर कैविटी में लेजर ऑक्सीलेशन जो है वो स्टार्ट हो सके, और उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन। तो आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए ये डायग्राम जरूर बना के आएंगे एग्जाम के अंदर। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ मटेरियल इट गेट्स एटेन्यूएटेड। देखिए स्टूडेंट्स आपने फुचबर्ग लैंडनबर्ग फॉर्मूला में जिसका दूसरा नाम था काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल अब्सॉर्प्शन जब हमने वो टॉपिक स्टडी किया था, तो वहां पर हमने एक चीज देखी थी, जब भी कोई लाइट बीम किसी मटेरियल में से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि लाइट बीम जो है इस मटेरियल के द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, आई ओमेगा जीरो इज रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। जब ये इस इंटेंसिटी की बीम इस मटेरियल जिसकी थिकनेस जेड है में से पास करेगी तो जो आपको आउटगोइंग बीम मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी इंटेंसिटी होगी आई ओमेगा जेड, और वो किसके बराबर होगी, इसका एक्सप्रेशन हमने फुचबर्ग लैंडनबर्ग फार्मूला में हमने ड्राइव किया था काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल अब्सॉर्प्शन में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो वहां पर हमने क्या देखा था, द इंटेंसिटी ऑफ आउटगोइंग बीम इज गिवन बाय, जो आउटगोइंग बीम की इंटेंसिटी होगी जिसको हम आई ओमेगा जेड से डिनोट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू आई ओमेगा जीरो मींस इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओमेगा जेड, मींस जो इंटेंसिटी होती है लाइट बीम की जब वो मटेरियल में से पास करती है तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। यहाँ पर अल्फा ओमेगा क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है मटेरियल का, और जेड क्या है, जेड है थिकनेस है इस मटेरियल की, आई ओमेगा जीरो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, आई ओमेगा जेड है इंटेंसिटी ऑफ आउटगोइंग बीम। तो स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन को ही यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 2 निकाल चुके थे, वो क्या निकल के आई थी, आई ओमेगा जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा जीरो एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट स्टार्ट माइनस अल्फा ओमेगा जेड, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट्स जो आउटगोइंग बीम की इंटेंसिटी होती है वो मटेरियल में से पास होने के कारण वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, जबकि हमने यहाँ पर एक एक्टिव मीडियम लिया है और एक्टिव मीडियम में से जब लाइट पास होती है तो वो एम्पलीफाई होती है, एक्टिव मीडियम का काम ही यही होता है कि लाइट वेव्स को एम्पलीफाई करना। तो एम्पलीफिकेशन कब होगी, जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, और पॉजिटिव साइन कब आ सकता है, यहाँ पर जब अल्फा ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव हो, मींस एक्टिव मीडियम के लिए जो अल्फा ओमेगा होता है मींस जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, मींस एक्टिव मीडियम जो है वो लाइट वेव्स को एम्पलीफाई करता है। तो एक्टिव मीडियम के लिए ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, पहले आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, इफ अल्फा ओमेगा इज नेगेटिव देन there will be amplification, अगर अल्फा ओमेगा नेगेटिव हुआ तब ये साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में हम कहेंगे कि जो लाइट बीम की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज नहीं हुई, लाइट बीम की इंटेंसिटी बढ़ी है, मींस लाइट बीम जो है वो एम्पलीफाई हुई है, मींस इस केस में एम्पलीफिकेशन होगा। इन दिस केस द इंटेंसिटी ऑफ आउटगोइंग बीम विल बी, इस केस में जो आउटगोइंग बीम की जो इंटेंसिटी होगी आई ओमेगा जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ये होगी आई ओमेगा जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा जीरो एक्सपोनेंशियल, आपको अल्फा ओमेगा नेगेटिव लेना है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और अल्फा ओमेगा को हम मॉड में लिख देंगे, तो इस केस में आई ओमेगा जीरो एक्सपोनेंशियल मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा जेड, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। बस आपने क्या किया, यहाँ पर प्लस का साइन कर दिया,
क्योंकि हमने अल्फा ओमेगा को इस केस में नेगेटिव लिया है और अल्फा ओमेगा को हमने मॉड में डाल दिया, तो इस केस में हमारे पास एम्पलीफिकेशन होगी और ये जो इंटेंसिटी होगी आई ओमेगा जेड वो आई ओमेगा जीरो से ज्यादा होगी। यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हो रही है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। दस इंटेंसिटी ऑफ बीम इन वन कंप्लीट पैसेज बैक एंड फोर्थ इन रेजोनेटर कैविटी विल बी। देखिए स्टूडेंट, जो रेजोनेटर कैविटी की लेंथ है वो एल है। मान लीजिए बीम जो है एक बार इधर जाती है, एक बार इधर आती है, और मीन्स दो बार एक्टिव मीडियम में से पास करती है, और कितनी लेंथ ट्रेवल करती है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और यहाँ पर कितनी एम्पलीफिकेशन होगी, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बीम की, वो हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जेड की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, जेड जो था वो डिस्टेंस कवर्ड था, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट बीम। इस केस में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में एल, यहाँ से यहाँ जाने में एल, तो 2L हो गया ना, तो Z की जगह आपको 2L पुट करना पड़ेगा। तो Z की जगह जब आप 2L पुट करेंगे तो यहाँ पर 2L आ जाएगा, तो बाकी इक्वेशन ऐसे देगी। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, I ओमेगा Z, I ओमेगा Z इज इक्वल टू I ओमेगा जीरो एक्सपोनेंशियल मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा, Z की जगह आपको 2L पुट कर देना है, क्योंकि वन कंप्लीट पैसेज में आने और जाने में बैक एंड फोर्थ आने और जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया है लाइट बीम ने, 2L डिस्टेंस कवर किया, तो Z की जगह आपने 2L पुट कर देना है। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव मीडियम का काम तो है कि लाइट वेव्स को एम्पलीफाई करना, बट जब लाइट वेव्स इन मिरर से टकराएंगी, इन मिरर से कुछ रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट्स होंगे, ये मिरर जो है कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी करेंगे, वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, वो कितनी लाइट बीम एब्जॉर्ब करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट के बराबर लाइट बीम को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो प्रोडक्ट जो होगा रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट्स का वो किसके बराबर होगा, आइए उसकी बात करते हैं। लेट आर वन एंड आर टू बी द रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट्स ऑफ द मिरर्स एम वन एंड एम टू। मिरर M1 का रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट है R1 और मिरर M2 का रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट है R2। देन इंटेंसिटी ऑफ बीम इन वन कंप्लीट पैसेज बैक एंड फोर्थ विल रिड्यूस बाय फैक्टर R1 R2। जब लाइट बीम एक बार मिरर M2 से टकराएगी, एक बार मिरर M1 से टकराएगी, तो कितनी इंटेंसिटी का लॉस होगा, वो होगा इतने फैक्टर से इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, R1 मल्टीप्लाई R2, मींस प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट्स ऑफ दीज टू मिरर्स के फैक्टर से इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और वो किसके बराबर होगी, R1 मल्टीप्लाई R2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 गामा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि R1 R2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस साइन लगाया है, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लगाया है, और दो मिरर्स हैं इसलिए यहाँ पर 2 लगाया है। गामा जो है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, मींस गामा एक पॉजिटिव कोफिशिएंट है। इस इक्वेशन को हम फिफ्थ इक्वेशन दे देते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को आगे फर्दर यूज करते हुए हम डराइव करेंगे बाकी की डेरिवेशन आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं आगे। लास्ट सेक्शन में हम दो इक्वेशंस निकाल चुके थे, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में क्या निकाला था, आई डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू आई डब्ल्यू जीरो एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट स्टार 2 मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा एल, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। ये फोर्थ इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी कि जब लाइट बीम एक्टिव मीडियम में से पास होगी तो उसमें कितना एम्पलीफिकेशन होगा, ये इक्वेशन वो रिप्रेजेंट कर रही थी एक कंप्लीट पैसेज में, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में, मींस 2L डिस्टेंस कवर करने पर लाइट बीम में कितनी एम्पलीफिकेशन हो रही थी, वो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा था। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। और लाइट बीम में जो लॉसेस हो रहे थे वो लॉसेस किसकी वजह से हो रहे थे, जब लाइट बीम इस मिरर से और इस मिरर से टकराएगी तो जो रिफ्लेक्शन लॉसेस होंगे, और वो रिफ्लेक्शन लॉसेस किसके बराबर आए थे, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट्स के बराबर आए थे। आर वन इसका रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट था, आर टू इसका रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट था, R1 R2 is equal to exponential minus 2 गामा, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लाइट बीम की इंटेंसिटी में कितना लॉस आएगा वो हमें ये बता रहा है, और गामा यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ से आप गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल उधर जाके नेचुरल लॉग बन जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग R1 R2, फिर माइनस 2 को नीचे लेके आएंगे तो आपको मिलेगा गामा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 नेचुरल लॉग R1 R2। तो यहाँ से आप गामा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि ये निकल के आएगी। तो स्टूडेंट्स ये हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम की एम्पलीफिकेशन को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटेंसिटी में कितना लॉस आ रहा है। तो नेट एम्पलीफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, जब आप इन दोनों फैक्टर्स को ऐड कर देंगे तो आपको नेट एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा कि एक कंप्लीट पैसेज में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाने में
कितना नेट एम्पलीफिकेशन मिल रहा है आपको वो मिल जाएगा जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो आप लाइन लिखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीफिकेशन इन वन कंप्लीट पैसेज इज गिवन बाय, तो रिजल्टेंट एम्पलीफिकेशन को हम डिनोट करेंगे आई डब्ल्यू जेड आर से, दैट विल बी इक्वल टू आई डब्ल्यू जीरो। इन दोनों टर्म्स को आप जब ऐड करेंगे तो ये माइनस टू गामा यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल टू अल्फा ओमेगा एल और साथ में आपको माइनस टू गामा लिखना पड़ेगा। तो ये होगी आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी लाइट बीम की, जिसमें हमने एम्पलीफिकेशन वाला फैक्टर भी इंक्लूड कर दिया और लॉस वाला फैक्टर भी इंक्लूड कर दिया, तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीफिकेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से टू कॉमन ले सकते हैं हम, तो टू कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा आई डब्ल्यू जेड आर इज इक्वल टू आई डब्ल्यू जीरो एक्सपोनेंशियल टू कॉमन आ गया मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा एल माइनस गामा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेजर ऑक्सीलेशन सस्टेन रखनी है, लेजर ऑक्सीलेशन बना के रखनी है इस रेजोनेटर कैविटी में, तो कंडीशन क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये वाली इस इक्वेशन में जो एक्सपोनेंशियल टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो आप लाइन लिखेंगे फॉर सस्टेन लेजर ऑक्सीलेशन दैट टर्म दैट एक्सपोनेंशियल टर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दैट इज एक्सपोनेंशियल टू मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा एल माइनस गामा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, तब जाके आपके जो लेजर ऑक्सीलेशन हैं वो सस्टेन रहेंगी, वो बनी रहेंगी रेजोनेटर कैविटी में। तो वन को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल जीरो, क्योंकि ई की पावर जीरो जो होता है वो वन होता है, तो एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा दोनों तरफ और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टू मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा एल माइनस गामा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स जब आप टू को जीरो के नीचे लेके जाएंगे तो जीरो पॉइंट टू जीरो हो जाएगा, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा एल माइनस गामा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस गामा को जब उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा एल ग्रेटर देन इक्वल टू गामा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम ड्राइव कर चुके हैं, इसके आगे के डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक निकाल चुके थे मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा एल ग्रेटर देन इक्वल टू गामा। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन थी सस्टेन्ड लेजर ऑक्सीलेशन के लिए, अगर हम इसमें से ग्रेटर देन इक्वल टू में से सिर्फ इक्वल टू का साइन ले लें तो वो इक्वालिटी का जो साइन होगा वो थ्रेशोल्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। द इक्वालिटी साइन इन अबव कॉरस्पॉन्ड टू थ्रेशोल्ड कंडीशन, अगर हम यहाँ पर सिर्फ इक्वालिटी का साइन ले लें तो हमें थ्रेशोल्ड कंडीशन मिल जाएगी जो हमें चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड कंडीशन इज मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा एल इज इक्वल टू गामा। हमने यहाँ पर सिर्फ इक्वल टू का साइन ले लिया, ग्रेटर देन को छोड़ दिया, तो ये होगी थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर ऑसिलेशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें वो आ जाएगी गामा बाय एल, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स एक इस यूनिट में हमने एक फुचबाउ-लैंडेनबर्ग फॉर्मूला ड्राइव किया था, उस फॉर्मूला से हमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू मिलती है, और वहां पर हमने क्या वैल्यू ड्राइव की थी फुचबाउ लैंडेनबर्ग फॉर्मूला में, वो वैल्यू ये थी मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू ए टू वन पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एन जी टू जी वन ओमेगा स्क्वायर बड़ी बैगस काट जी वन बाय जी टू एन टू माइनस एन वन जी ओमेगा, जहां पर जी वन जो है वो लोअर लेवल की डीजेनरेसी है और जी टू जो है वो हायर लेवल की डीजेनरेसी है, और ये फॉर्मूला जो है हमने इस टॉपिक में ड्राइव किया था फुचबाउ-लैंडेनबर्ग फॉर्मूला, जिसको हम काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नॉन डीजेनरेट लेवल्स के लिए अगर हमारा जो लोअर लेवल और हायर लेवल है वो नॉन डीजेनरेट हुए तो उनके लिए उनकी डीजेनरेसीज की जो वैल्यूज हैं वो वन के बराबर होंगी और वो दोनों इक्वल होंगी, और उस केस में हम जी वन जी टू को बराबर लेंगे और वन के बराबर लेंगे। तो आप लाइन लिखेंगे फॉर नॉन डीजेनरेट लेवल्स जी वन इक्वल टू जी टू इक्वल टू वन, अगर हमारे हायर और लोअर लेवल नॉन डीजेनरेट हुए तो उस केस में उनकी डीजेनरेसीज बराबर होंगी और वो वन के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर जी वन जी टू जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ वन पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जी वन जी टू हट जाएंगे इस एक्सप्रेशन में से, तो आपको क्या मिलेगा मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू ए टू वन पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एन बाय ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा एन टू माइनस एन वन जी ओमेगा, तो मीन्स जी वन जी टू की जगह अगर आप वन पुट करेंगे तो जी वन जी टू यहाँ से हट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप और आप यहाँ पे कर सकते हैं, हमने मॉड ऑफ अल्फा ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली थी गामा बाय एल निकाली थी, तो यहाँ पर आप गामा बाय एल पुट कर दीजिए, यहाँ पर आप गामा बाय एल पुट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन टू माइनस एन वन की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे ओमेगा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और ये टर्म जो है सारी की सारी यहाँ नीचे आ जाएगी और जी ओमेगा भी नीचे आ जाएगा, तो आपको एन टू माइनस एन वन की क्या वैल्यू मिलेगी, एन टू माइनस एन वन विल बी इक्वल टू गामा ओमेगा स्क्वायर एल, साथ में आपका ए टू वन आ जाएगा पाई स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा एन आ जाएगा और साथ में जी ओमेगा भी नीचे आ जाएगा, तो ये आपको एन टू माइनस एन वन की वैल्यू मिलगी, मीन्स अपर लेवल की जो पॉपुलेशन होगी और जो लोअर लेवल की जो पॉपुलेशन होगी एन वन, उन दोनों का क्या डिफरेंस होना चाहिए थ्रेशोल्ड कंडीशन पर, वो इतना होना चाहिए तब जाके आपको सस्टेन ऑसिलेशन मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम एन टू माइनस एन वन की वैल्यू निकाल चुके थे, जो कि क्या निकल के आई थी, एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू गामा ओमेगा स्क्वायर एल ए टू वन पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एन जी ओमेगा। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन मान लेते हैं इसको। एन टू थी अपर लेवल की पॉपुलेशन, एन वन थी लोअर लेवल की पॉपुलेशन, और अपर लेवल और लोअर लेवल की इस पॉपुलेशन डिफरेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल इन्वर्शन। द पॉपुलेशन डिफरेंस एन टू माइनस एन वन इज कॉल्ड क्रिटिकल इन्वर्शन। अब इस फॉर्मूले को, इस सेवंथ इक्वेशन को और यूजफुल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। लेट एन नॉट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ इन द कैविटी इनिशियली। हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इनिशियली बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे थे इस कैविटी में वो एन नॉट है, और n is equal to number of photons traveling back and forth after m round trips in cavity, और m round trips के बाद number of photons जो है वो decrease हो जाएंगे, और वो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो students एक photon की जो energy होती है वो h cut omega होती है, तो n not number of photons की energy कितनी हो जाएगी, n not h cut omega is energies of n not number of photons, तो n not number of photons की energy हो जाएगी n not h cut omega। इसी प्रकार से n number of photons की energy कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n into h cut omega, एक photon के h cut omega होती है, तो n photons की हो जाएगी, n h cut omega is equal to energy of n number of photons। तो students अब हमारे पास ये वाली energy जो है इस energy से कम होगी, और वो कितनी कम होगी, आइए वो देखते हैं। n h cut omega will be equal to n not h cut omega initial number of photons की जितनी energy थी multiply कितने decrease होगी, एक round trip में कितना loss हो रहा था intensity का, इतना loss हो रहा था, इतना लॉस हो रहा था, हमने देखा था ये किसके बराबर था, R1 R2 के बराबर था, एक वन राउंड ट्रिप में कंप्लीट पैसेज में बैक एंड फोर्थ पैसेज में इतना लॉस हो रहा था इंटेंसिटी का, तो M राउंड ट्रिप में कितना लॉस हो जाएगा, 2m गामा एक्सपोनेंशियल माइनस 2m गामा लॉस हो जाएगा। तो साथ में आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n नॉट h का ओमेगा को एक्सपोनेंशियल माइनस 2m गामा। तो स्टूडेंट्स जो हमारे n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी जो होगी वो इतनी होगी इनिशियल नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी मल्टीप्लाई दिस फैक्टर। तो ये आपको समझ आ गया होगा ये हमने क्यों लगाया है, मींस ये वाली एनर्जी जो है इस एनर्जी से कम होगी, वो कितने फैक्टर से कम होगी, इतने फैक्टर से कम होगी। m राउंड ट्रिप्स है तो m लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स h कट ओमेगा से h कट ओमेगा कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 2m गामा। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। अब हमें गामा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टाइम। हम मान लेते हैं इफ t डैश बी द टाइम टेकन बाय फोटॉन्स फॉर वन राउंड ट्रिप। हम मान लेते हैं कि एक राउंड ट्रिप में फोटॉन जो टाइम लेता है वो t डैश है, तो m राउंड ट्रिप्स में कितना टाइम लेगा, देन टाइम टेकन फॉर m राउंड ट्रिप्स विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई t डैश। एक राउंड ट्रिप में इतना टाइम था तो m राउंड ट्रिप्स में इतना टाइम हो जाएगा, और उस टोटल टाइम को जो m राउंड ट्रिप्स में लिया है फोटॉन ने वो हो जाएगा t, उसको हम t मान लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एम टी डैश। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे t बाय t डैश आ जाएगी। ये 9th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास m की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। हमें गामा की वैल्यू नहीं निकालनी थी t के टर्म्स में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पहले, हमें m की वैल्यू निकालनी थी t के टर्म्स में। अब m की वैल्यू जो ये निकल के आई है t के टर्म्स में वो हम यहाँ पुट करेंगे, और बाकी की डेरिवेशन देखेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने 8th और 9th इक्वेशन फाइंड की थी। जो 8th इक्वेशन थी वो क्या थी, n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 2m गामा, ये 8th इक्वेशन थी। और 9th इक्वेशन में हमने m की वैल्यू फाइंड की थी इन टर्म्स ऑफ टाइम, m इज इक्वल टू t बाय t डैश, ये 9th इक्वेशन थी। t डैश जो था वो टाइम फॉर वन राउंड ट्रिप था, और t जो था वो टोटल टाइम था आफ्टर m राउंड ट्रिप्स। तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू यहां पुट करेंगे यूजिंग 9 इन 8 वी गेट n is equal to n not exponential minus 2m की जगह हमने t by t dash put कर दिया, और साथ में गामा लगा दिया, ये वाला गामा। तो स्टूडेंट्स अब एक फोटोन की एवरेज लाइफ टाइम होता है, और एवरेज लाइफ टाइम ऑफ फोटोन का की डेफिनेशन क्या होती है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ फोटोन वो टाइम होता है जब नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, मींस नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं, एटम्स ही बोलना चाहिए, फोटोन की बात हो रही है, नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ फोटोन्स का 1/e टाइम जब रिड्यूस हो जाते हैं तो उस टाइम को हम बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम ऑफ फोटोन। तो स्टूडेंट्स लेट टीसी बी द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ फोटोन, हम टीसी को एवरेज लाइफ मान लेते हैं फोटोन की। तो जब टाइम टीसी के बराबर हो जाएगा तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ फोटोन्स एन नॉट का 1/e टाइम्स हो जाएगा। ये डेफिनेशन है एवरेज लाइफ टाइम की। द एवरेज लाइफ टाइम इज द टाइम in which number of atom, number of photons reduces to 1/e times of initial number of photons. तो जब t equal to tc होगा तो number of photons जो है वो n not by e हो जाएंगे, n not यहाँ पर initial number of photons है, तो n की जगह put कर दीजिए n not by e, और t की जगह put कर दीजिए tc। तो students आपको क्या मिलेगा, n not by e is equal to, n की जगह n not by e put कर दिया, n not e, exponential को मैं e की power लिख रहा हूँ,
ई की पावर माइनस टू टी बाई टी डैश गामा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टी की जगह टी सी पुट करेंगे, यहाँ पर टी को हमने टी सी लिया है। तो स्टूडेंट्स ई की पावर ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगी, एन नोट से एन नोट कट जाएगा। ई की पावर्स कंपेयर करेंगे तो यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस टू टी सी बाई टी डैश गामा है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। सो वन विल बी इक्वल टू टू इंटू टी सी बाई टी डैश गामा। और टी डैश क्या है, टी डैश है टाइम फॉर वन राउंड ट्रिप, आने और जाने में कितना टाइम लगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कितना कवर होगा वन राउंड ट्रिप में, एल डिस्टेंस जाने में, एल डिस्टेंस आने में, टू एल डिस्टेंस कवर होगा। और स्पीड है फोटोन की सी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं फोटॉन्स। सो वन इज इक्वल टू टू टी सी, और टी डैश की जगह टाइम फॉर वन राउंड ट्रिप की जगह हम पुट कर देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है टू एल, स्पीड है सी, टू से टू कट जाएगा और साथ में ये वाला गामा ऐसे आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बाई सी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एल बाई सी दैट विल बी इक्वल टू गामा टी सी। और हमने यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है तो सी उधर ले जाइए, तो मैं यहाँ से सी को उधर ले जाता हूँ तो एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी गामा टी सी। ये हमारी नाइन्थ इक्वेशन है। तो स्टूडेंट जो एल की वैल्यू निकली है ये वाली, वो हम यहाँ पुट करेंगे सेवन्थ इक्वेशन में। उसके बाद एक स्टेप और आ जाएगा और आपकी डेरिवेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, और ये काम करेंगे अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में। पिछले सेक्शन में हमने एक इक्वेशन निकाली थी जहाँ पर हमने एल की वैल्यू निकाली थी, वो थी सी गामा टी सी। गलती से इसको हमने नाइन्थ इक्वेशन दे दिया था जबकि ये टेंथ इक्वेशन थी। तो पिछले सेक्शन में आप करेक्शन कर लीजिएगा, जो नीचे हमने नाइन्थ इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे वो टेंथ थी, एक्चुअली नाइन्थ इक्वेशन पहले लिख चुके थे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करेंगे इस सेवन्थ इक्वेशन में। यूजिंग टेन इन सेवन वी गेट एन टू माइनस एन वन इज इक्वल टू गामा ओमेगा स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर सी गामा टी सी, साथ में ए टू वन, साथ में पाई स्क्वायर सी स्क्वायर एन जी ओमेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं गामा से गामा कट जाएगा और सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा सी क्यूब। तो फाइनली एन टू माइनस एन वन दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब, साथ में टी सी ए टू वन पाई स्क्वायर एन जी ओमेगा, गामा से गामा कट चुका है। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आया है इसी को बोलते हैं हम शैलो टाउन्स कंडीशन फॉर लेजर ऑक्सीलेशंस। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, मैक्सिमम सिक्स मार्क्स की कैटेगरी में ही आता है ये। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की जो डेरिवेशन है वो अच्छे से समझ आई होगी। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेजर एंड क्वांटम फिजिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।